हेलो, जय श्री राम। मेरी टीम, मेरे इट्स मेहताज माइंड के लोग, और आई गेस काफ़ी टाइम हो गया था व्लॉग बनाए या फिर ब्लॉग बनाए या फिर जो भी आप कह लो, बहुत समय हो गया था क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यू जॉब ज्वाइन की है मैंने, तो उसमें काफ़ी हेक्टिक हो जाता है स्केड्यूल। सुबह 11 बजे से लगते हैं हम लोग, तो रात के 8-9 बज जाते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी फ्री तो नहीं कह सकते क्योंकि 8 बजे से फिर मीटिंग है, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो बनाया जाए। तो कैसे हो आप लोग? मेरा अटायर देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, फॉर्मल वॉर्मल में हूँ, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। कैसे चल रहा है आप लोग का, सभी का, और क्या हाल चाल है? और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मंगेश है, वो भी, उसके भी फ़ोटोज़ देखता रहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी ऐड है वो मुझसे, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ डालता है बंदा, कॉलेज वॉलेज जा रहा है। वेरी गुड मंगेश, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। मोनालिसा से मैं नाराज़ नहीं हूँ, मोनालिसा मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ अभी, तो मैं इसलिए मैसेजेस देखता जरूर हूँ लेकिन रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिल पाता है। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और भूमिका दी से भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी शायद नाराज़ होंगी मुझसे। और अभी आज ही उन्होंने शायद वीडियो डाला है, मैंने उस पर कमेंट किया था, बट बात नहीं हो पा रही भूमिका दी से भी, और बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगी जिसमें मुझे बोलना चाहिए था कि भाई, मैं सुशांत भैया के जाने के बाद तो बॉलीवुड से ऑलमोस्ट कट सा गया हूँ। जितने भी ये थे, शाहरुख, सलमान, आमिर, ऋतिक, अक्षय, शाहिद, ये लोग सब अब उतर गए थे। और अक्षय कुमार ने तो अभी भैया दरकतें करी थी, भैया विमल इलायची बेचना शुरू कर दी, मतलब फिटनेस फ्रिक होकर आदमी विमल बेचने लग गया। अब वो विमल इलायची हो या विमल पान मसाला हो या विमल लौंग हो या विमल कोई भी हो, भाई नाम तो विमल का है, और विमल किस बात के लिए फेमस है आप सभी जानते हो। तो पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है भाई, चाहे कोई भी एक्टर हो, अक्षय कुमार हो या आमिर खान हो, किसी भी हद तक जा सकता है। आमिर खान दो शादियाँ कर चुका है आदमी, तीसरी करने की तैयारी में है। सलमान खान है ही नहीं शादीशुदा। शाहरुख खान खैर चलो ठीक है, फैमिली वाला बंदा है तो वो अलग मुद्दा है उसका, चलता है सभी। बॉलीवुड है ही, बॉयकॉट लायक ही है बॉलीवुड, बॉलीवुड को आप कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि पूरी बॉलीवुड ख़राब है, अभी जैसे कश्मीर फाइल्स आई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा मूवी हमने देखी, सबने देखी। उसके बाद RRR आई, उसने बॉलीवुड को ऐसा बुरा तमाचा मारा है कि होस्ट ठिकाने आ गए उसके। इसके बाद अभी KGF 2 मैंने देखी नहीं है, बट रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं उसके, मैं देखने जाऊँगा वीकेंड पे या फिर नेक्स्ट वीक 28 को जाऊँगा। 28 को बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए तो है, और जो मुझे जानते हैं उनको पता है 28 को क्या है। 27 को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, 28 को मैं नहीं बताऊँगा। सो अभी तो बाइक की बुरी तरीके से बैंड लगी है। तो मुद्दा भैया यही है कि आप लोग अपने यूथ आइकन जिसको भी बनाते हो, आप अक्षय कुमार को बना रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर बनाओ, क्योंकि वो है तो बॉलीवुड का ही, उसकी रोजी रोटी बॉलीवुड से चल रही हो, भले कितना भी फिटनेस फ्रीक क्यों ना हो, कितने भी चैरिटी क्यों ना कर रहा हो, है तो वो बॉलीवुड से ही, तो एक ना एक दिन तो उसको बॉलीवुड से ही रोटी पानी मिलेगी, ठीक है। और उन लोगों को फॉलो करिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, विद्युत जामवाल हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, प्राची देसाई है, कंगना रनावत है, ये लोग डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट हम सबकी, क्योंकि वो लोग उस तरीके का काम भी कर रहे हैं। अभी कंगना मैडम ने जो शो लेकर आई है लॉकअप, उसमें हमें काफ़ी कुछ लोगों की रियलिटी देखने को मिला। अब डजंट मैटर कि वो स्क्रिप्टेड है, डजंट मैटर, बट द थिंग इज़ दैट कि जो चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल रही है वो बिग बॉस से कहीं हटके हैं। लोगों ने पहले उसको बिग बॉस का नाम दिया था लेकिन वो बिग बॉस जैसा नहीं है, ठीक है। और रही बात विद्युत जामवाल भी, अभी एक शो लेकर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा शो है वो, एक्शन सीक्वेंस रहेंगे उसमें और आर्मी से रिलेटेड भी है, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो एक्शन सीखना चाहते हैं लेकिन कई फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं कर पाते। मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करिए आप, क्योंकि हमारे घर के पास में ही मैरिज गार्डन है, तो उस कारण से शादियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जिसके यहाँ भी शादी हुई मेरी तरफ से एडवांस में बधाई, और जिसकी नहीं हुई है हो जाएगी, मेरी भी नहीं हुई है, तो खैर ठीक है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स पीपल को, स्पोर्ट्स के लोगों को अपना आइकन बनाते हो तो दैट्स वेरी गुड। मैं खुद विराट कोहली को, MS धोनी को, AB de Villiers को फॉलो करता हूँ। सो स्पोर्ट्स पर्सन आर द डिफरेंट
एनवायरमेंट दे आर हैविंग, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बॉलीवुड समहाउ. वो लोग एक्टिंग करते हैं, उनको बुलाया जाता है, पर वो बॉलीवुड के इसमें नहीं है. जैसे हमारे एक प्लेयर रहे इंडियन टीम के, वर्ल्ड कप 2011 टीम के हिस्सा रहे हैं श्रीसंत, उनके साथ बहुत सी घटनाएं हुई, स्पॉट फिक्सिंग में फंसे, उसके बाद बैंड लगा, फिर अभी रिटर्न करने की कोशिश की बट आईपीएल में उन्हें कोई ने ख़रीदा नहीं, अब वो बॉलीवुड में आने वाले हैं. तो यार एक वो अलग मुद्दा हो जाता है. सो मुद्दा ये है कि भाई जिसको भी फॉलो करो, जिसको भी अपना आइकन बनाओ, सोच समझ कर बनाओ, बल्दे किसी को अपना आइकन ना बनाओ. और अगर उनकी तरह बनना है तो पॉजिटिविटी लेकर चलो, नेगेटिव चीज़ों को मत लो. बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन भी गलत राहों पर चले गए हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर उस चीज़ को देखें. बाकी तो आप लोग समझदार हैं. अभी मेरी थोड़ी मीटिंग स्टार्ट होती है, फिर देखते हैं हम कभी ऐड होंगे आप लोगों से. तब तक अपना ध्यान रखिए, और कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो मास्क को इग्नोर ना करें, मास्क को पहन कर रखें, मास्क अपना साथी बना लें. जैसे आप घर से निकलते वक्त मोबाइल वॉलेट और आपकी फोर व्हीलर टू व्हीलर की है, उन चीज़ों को आप कंपलसेशन में रखते हैं, तो आप मास्क को भी मैंडेटरी में रखें, चाहे सरकार कुछ भी बोले, पर मास्क हमारी सेफ्टी के लिए बना हुआ है. और जिन जिन को बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं 60 प्लस के लिए, वो जाके बूस्टर डोज लगवाएं, और जो 18 के अंडर में आ रहे हैं, जिन जिन को वैक्सीन अलॉट की गई है, वो वैक्सीन लगवा लें. और बिल्कुल भी ना घबराएं, वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब अपाए हैं. थोड़ी बहुत तबीयत गड़बड़ होती है, बुखार वुखार आता है, सो वो सब मैनेज हो जाता है. सो जस्ट ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का, अपने आसपास का, और माहौल के हिसाब से थोड़ा संभल के रहें, सावधान रहें, ठीक है. तब तक के लिए जय हिंद.